सो हा वन थिंग जो बीच में आई थी दैट जजमेंट का डर रहता है लोगों में सो हाउ टू डील विद दिस फियर ऑफ जजमेंट सो मेनी टाइम्स लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं बट वो जजमेंट का डर उन्हें करने नहीं देता है कई बार पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हैं फिर वो जजमेंट का डर है अच्छा बीच में आपने क्रिटिसिज्म की भी हम बात कर रहे थे सो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ जजमेंट इन दोनों डरों के साथ में कैसे हम डील कर सकते हैं एंड स्पेशली अगर सोशल मीडिया की बात चल रही है तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए तो पहले अगर क्रिटिसिजम पे बात करें कि कई बार अगर आपको कोई क्रिटिसिजम मिलता है तो आप कैसे डील करते हो और लोग कैसे डील कर सकते हैं बिकॉज आजकल ट्रोलिंग इतनी होती है ट्विटर पर आप देखो हर जगह पर बहुत सारे जो हेड कॉमेंट्स और ये सब जैसे कहते हैं कई लोग इसको डील नहीं कर पाते हैं इनकी सेल्फ़ एस्टीम पे हिट होता है तो कई लोग गिव अप करते हैं अपने पैशन से कई लोग

क्योंकि मैं नीचे आ तो तुम भी नीचे आओ ऑल दे डू इज इवन नार्सिसिस्ट दे कवर देयर लो सेल्फ एस्टीम बाई यू नो लैशिंग आउट मे बी पुटिंग द अदर पर्सन डाउन और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वो बिहेवियर ही क्यों आता है ताकि वो उसको इट्स इट्स जस्ट अ मास्क इट्स अ कवर दैट्स इट तो क्रिटिसिज्म अगर आप अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कि वो मुझे एग्जैक्टली exactly क्या बताना चाह रहे हैं कई बार क्या होता है कि लोग कैसे क्रिटिसाइज करते हैं वो भी बहुत मैटर करता है एंड कॉन्टेक्स द कॉन्टेक्सट इट्स जस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट बट मेजर प्रपोर्शन आपका आप कैसे कन्वे करते हो आप कैसे कोई चीज को बोलते हो अब आप मैं आपको बताऊं कि आई डेंट लाइक बॉडी जस्ट वोर बट मैं आपको कहूँ कि पता है अगर इसके ऊपर ये पहना होता तो अच्छा लगता way. True. Tone ये आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो राइट right? आप किसी को चेंज नहीं कर सकते कि आप क्रिटिसाइज मत करो आप किसी को चेंज नहीं कर सकते बट यू ऑन दी अदर एंड यू कैन बिकम दैट पर्सन इफ यू आर गिविंग एंड एंड अगर आप रिसीविंग पे हो जहां पे यू रिसीविंग क्रिटिसिजम फ्रॉम सम तो आप सबसे पहले ये समझो कि वो जो बोल रहे हैं वो उनका पर्सपेक्टिव है टू यू जैसे कि अगर आप शादियों में जाते तो बहुत ऐसी वो सेट ऑफ आंटियां होती हैं जो क्रिटिसाइज करती है बैठकर के ये तो ऐसी ये तो ऐसी तो उनका परसेप्शन है वो टुवर्ड्स यू देसेप्शन इट्स नॉट योर रियालिटी इट्स जस्ट अ फैक्ट देसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो सबसे पहले टेक इट इन वे दैट वॉट दींग इज दर्सेप्शन नॉट माई रियालिटी ओके दूसरा उसमें से मैं क्या सीख सकती हूँ कई बार ना ऐसे स्पेशली वर्क सेटिंग में हो जाता है या फैमिली सेटिंग में हो जाता है जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो आपको कभी थोड़ा क्रिटिसिज यू नो क्रिटिसिज्म वे में कोई चीज कन्वे कर देते हैं कंस्ट्रक्टिव नहीं होता वो डिस्ट्रक्टिव होता, होता है सार्कास्टिक होता yeah. है तो जब वो ऐसे कुछ करते हैं तो कई बार यू हैव टू आई मतलब इफ इट्स वेरी सटल तो यू हैव टू फोकस द ऑन द लेसन कैचा वट इज इट ट्राइंग टू टीच यू और टेल यू और एक्सप्लेन इट टू यू एक चीज समझना जरूरी है हर माँ बाप दे डोंट कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ हेट्रेड दे कम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ केयर एंड लव बट एवरी वन ऑल पेरेंट्स इवन इन द वे दैट दे शो लव इवन दे हैव टू वर्क ऑन इट नॉट ऑल पेरेंटिंग आई वुड से इज अ राइट पेरेंटिंग ये कंप्लीटली टेलर मेड होना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे समझता है एम नॉट right, वो बीच, बीच की बात है ग्रे मैटर है तो सबसे पहला तो आप क्रिटिसिज्म uh, ले रहे हो तो आप देखो कि उसमें लेसन क्या है दूसरा कि वो जो बोल रहा है वो उनका परसेप्शन मेरी रियलिटी नहीं है जैसे अगर मैं गा रही हूँ और आपने मुझसे कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं गाती हो तुम तो थी. तो मैंने कहा ठीक है तुमको शायद अच्छा नहीं लगा मैं मुझे तो ठीक लगा इट हाउ कैन यू वर्क ऑन द क्रिटिसिज्म जजमेंट अगेन इट्स बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ एस्टीम दट इफ आई लुक एट माई सेल्फ इफ आई थिंक हाईली ऑफ मी एक न uh, पोलोको की बहुत प्यारी बुक हैच इज ऑफ पोर्टेबलो आई लव रीडिंग पोलो कॉलोज बुक बिकॉज ई टॉक्स अबाउट पर्सनैलिटीज अबाउट लो के परसेप्शन एंड लॉड ऑफ थिंग्स दो दे आर स्टोरी बेस्ड बट देर आर लॉड ऑफ लेसन इन इज बुक तो उन्होंने ना ये बुक में विच ऑफ पोर्टेबलो में ये बताया है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉम दैट्स टाइटल ऑफ द बुक इट टॉक्स अबाउट कि ये लड़की है दिस इज़ फीमेल एंड दिस फीमेल हैज बीन शोन फ्रॉम अ डिफरेंट पीपल्स जैसे उसकी फ्रेंड उसके बारे में क्या सोचती है उसकी नेबर उसके बारे में कैसा सोचती है एंड उसके जो वर्क कलीग्स हैं उसके बारे में कैसा सोचते हैं एंड देन शी रियलाइज आई एम जस्ट अ डिफरेंट बुक इन एवरी लाइफ लाइफ किसी की लाइफ में मैं शायद एक एक लविंग पार्टनर रहूंगी किसी के इसमें मैं एक टॉक्सिक कलिग रहूँगी, किसी के इसमें आई कुड बी एन एवरेज डॉटर कुड बी एनी थिंग टैग्स इन एवरी लाइफ एक इमेज हर इंसान ने अपनी बना के रखी है अपने दिमाग में। मेंजर इमेजेस दैट वॉट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ इमेज इन दिस बिकॉज मैनी टाइम्स आज बहुत सारे लोग हमारी एक मेंटल इमेज बना के चल रहे हैं और कई लोग में इतनी फ्लेक्सीबिलिटी होती है कि जैसे सपोज कि uh, हम सब ये जज करने का प्रयास करते हैं कि वट ऑफ इमेज फॉर मी यू आर केयरिंग इन योर हैड सो सम हाउ आई ट्राई टू जज दैट मेरी क्या इमेज आपके ब्रेन में होगी एंड देन मैनी टाइम्स यू ट्राई टू लिव बाय देट सो वैन आई एम बी थू

मुझे बताइए कि आपको आपका ऑरेंज जूस कैसा पसंद है मीठा या खट्टा या कैसा ऑर्गेनिक अवोट बैलेंस होना ज्यादा मीठा हो ना ज्यादा खट्टा हो अब सपोज मुझे ऑर्गेनिक पसंद है और मुझे खट्टा पसंद है लेट्स से तो क्या ऑरेंज जूस आपके हिसाब से अपना नेचर बदलता है मेरे हिसाब से अपना नेचर बदलता है नहीं नहीं बदलता तो हम किसी और के लिए अपना जो एक डिस्पोजिशन है दैट्स आर इननेट नेचर वो हम क्यों ट्वीक करते रहे कि उसके लिए मैं अपना सेल्फ इमेज चेंज कर लूँ जैसे मेरे फादर को चाहिए दैट आई बिकम एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल डॉटर ओके और आई सपोज कि मेरी फ्रेंड को चाहिए कि आई बिकम अ वेरी गुड लिसनर ठीक है दीज आर ट्रेस दैट कैन बी वर्क राइट बट क्या मैं अपने कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है मेरी जो मेरे, मेरा खुद का कैरेक्टर है पर्सनैलिटी है क्या मैं उसे चेंज करूं कि किसी के इसमें ढलने के लिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए yes. थेरेपीज में बहुत बार ऐसा होता है कपल आते हैं कहते हैं कि ये ना बहुत ज्यादा फ्रेंडली है लोगों के साथ बट मे बी वो उनका नेचर है वाई यू ट्राइंग टू चेंज दैट सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलते बट मेरे साथ तो इतनी फ्रेंडली नहीं रहती सो योर प्रॉब्लम इज नॉट विद फ्रेंडलीनेस योर प्रॉब्लम इज दैट शी इज नॉट बींग फ्रेंडली विथ यू इज अ डिफरेंस तो ये समझो कि वो आपके साथ फ्रेंडली क्यों नहीं है Right. Is something maybe आप जज कर रहे हो या आप उनको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इमेज में रखा हुआ है कि उनको ऐसे ही रहना चाहिए तो तो लोग अपना exactly. कि शायद वो अपना full potential नहीं कर पा रहे आपके साथ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट चेंज योर डिस्पोजिशन फॉर समबडी बट मोस्ट ऑफ पीपल आर हु आर पीपल प्लीजर्स राइट इफ यू लुक एट पीपल प्लीजर्स दिस इज व्हाट दे डू राइट right, कि वो अगर दोस्तों के साथ हैं तो अलग हो जाएंगे माता पिता के साथ हैं फिर अलग हो जाएंगे सो वेरी गुड पॉइंट दैट यू फूड हियर कि वो नहीं करना चाहिए बट बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ये चीज़ करते हैं तो मैं इसी पे आ रहा था कि जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है हाउ हाउ पीपल कैन गेट करेज टू एक्सप्रेस देयर ऑथेंटिक सेल्फ राइट कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को वो एक्सप्रेस कर सकें कि इंस्टेड ऑफ कई बार वो बहुत ही एक मेलियबल सेल्फ लेकर के चलते हैं जो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है चेंजिंग yes. जैसे जो मुझे ढलने का एक मोल्ड मिल जाता है मैं वैसे मोम की तरह ढल जाता हूँ सी इट्स अ गुड ट्रेट आई एम सेइंग इट्स अ गुड ट्रेट ट्रेट्स चेंज करना बहुत जरूरी जैसे फॉर एग्जांपल देखिए डिफरेंस है जैसे कि अगर इफ आई एम समन हु वेक्स अप एट से ट्वेल्व ओ इन द आफ्टरनून तो क्या वो अच्छा है मेरे हेल्थ के लिए नो no. Uh, क्या इसमें मैं अपना लाइफ का फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पा रही हूँ नहीं ये चीजें चेंज करना जरूरी है अगर मेरे मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम्हें मॉर्निंग पर्सन बनना चाहिए यू नो इट्स गोइंग टू हेल्प यू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर तो उसमें चेंज करो दैट्स नॉट माई डिस्पोजिशन अगेन दैट्स योर सेल्फ उसके लिए अगर आपको मोल्ड करना पड़ रहा है तो आप करो अब आपके फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यू ऑलवेज बी नाइज एंड कॉल एंड तुम अपने ओपिनियंस मत रखो या तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए बट इफ़ यू ट्रू सेल्फ वॉन्ट्स टू बी समथिंग बी यू डोंट टू चेंज योर इनेट नेचर फॉर समबडी बी एंड उसके लिए कम्युनिकेट कन्वे दैट सी दिस इज हाउ आई हैव बींग फ्रेंडली माई चॉइस इफ यू डोंट लाइक इट अगर तुमको कोई दिक्कत है उससे तो मुझे बताओ देन वी यू नो वी वी सेट बाउंड्रीज फॉर दैट बाउंड्रीज एज इन कीप मैं uh, तुमको पता होना चाहिए कि मे मेरे जो एक सर्टन नेचर है बिहेवियर है ये चीज रहने वाली है बाकी मैं तुम्हारे साथ क्या तुमको क्या चाहिए मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ वो मुझे बताओ इफ यू वॉन्ट मी टू बी फ्रेंडली विथ यू देन लेट्स डिस्कस अबाउट इट हम कम्युनिकेट कर लेते हैं अबाउट इट कि क्यों नहीं हो पा रही हूं मैं इतनी फ्रेंडली आर देर एनी स्पेस ऑफ जजमेंट हेयर और दर सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो रहा है ये सारी चीजें तो ये बहुत जरूरी है आप कि आप अपना डिस्पोजिशन चेंज नहीं करो किसी के लिए तो मोस्ट ऑफ पीपल प्लीज डू इट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थीकिंग वैलिडेशन इन दउटसाइड वर्ल्ड रादर दैन वैलिडेटिंग देमसेल्व सो वैलिडेशन कहाँ से आता है जब बचपन में अगर आपको कॉन्स्टेंट बताया जा रहा है यू नो वॉट योर नॉट गुड फॉर एनी थिंग ये नॉट गुड फॉर एनी थिंग जैसे बचपन में अगर किसी को कहा जा रहा है कि तुम तो ये अच्छा करते ही नहीं तुम कभी बड़ी नहीं पाओगे तुम ये हो छोड़ो जाने तो तुमसे होगा ही नहीं जैसे तो बच्चा पता है बच्चे आके ना कई बार बड़ों को हेल्प करते हैं तो तुम बोलते हो अरे नहीं रहने तो तुम ये बराबर से नहीं करते हो लेट मी डू इट यू कीप रिपीटिंग दैट द चाइल्ड स्टार्ट बिलीविंग दैट आई कान डू एनी थिंग इन माई लाइफ बिकॉज आई एम नॉट एक्सेप्टेड एज आई एम मतलब बच्चा जब करता है इसमें यू वॉन्ट टू चेंज इट यू कैन ऑलवेज बाई

क्यों क्योंकि आपने वो बिलीफ इतनी इनग्रेन करके रखी है सो योर चाइल्डहुड ट्रॉमास योर चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग मैटर्स अ लॉट एंड दिस थिंग सम टाइम्स मेक यू पीपल प्लीजर एब्सोल्युटली इट्स मोस्टली योर योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग मेक्स यू पीपल प्लीजर बिकॉज़ यू कांस्टेंटली सीकिंग अ वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड नॉट विदिन योरसेल्फ सपोज हमारे प्राइमरी केयरगिवर्स ने टीचर्स ने

so there will be a roller coaster of self esteem some day they are elevated then they are down then they are so they are always you know going for people pleasing so that कई बार ना बोलना है कहीं पे ना नहीं बोलते हैं फिर अंदर ही अंदर सफरिंग करते हैं इसकी वजह से एंड उसकी वजह से बहुत लोग रिलेशनशिप्स uh, relationships में भी बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं आई एम सेइंग नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स एवरीवेयर दे बिकम वेरी को डिपेंडेंट वैलिडेशन के लिए लव के लिए केयर के लिए रिस्पेक्ट के लिए एडमिरेशन के लिए lot of things that they're constantly dependent on somebody and that's that's a tough time because you're constantly seeking validation in every relationship and kya jaga you are constantly dependent dependent ho you're codependent on someone at one point of that person is independent person or person frustrated kya you constantly ho you're, you're seeking validation constantly right start loving yourself बड़े होकर के जो हम रिश्तों में एक स्पेशली एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जब हम आते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ आवर चाइल्डहुड बॉन्डिंग विद आवर पेरेंट्स दैट डिफाइंस आवर अटैचमेंट स्टाइल व्हेन वी ग्रो अप तो बात यह है कि हमारी अटैचमेंट हमारे प्राइमरी गिवर्स के साथ जैसे पेरेंट्स टीचर्स फ्रेंड्स ये एक स्टेज पे होता है जैसे सबसे पहला स्टेज हमारे पेरेंट्स के साथ होता है At the age of from the age of since ऑफ born till the age you go to the school which is two and a half years three years तो so, आपके प्राइमरी केयर गिवर्स कौन होते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं आपकी सपोज आपके घर पे बड़े हैं तो वो होते हैं और पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एनी वन आप रह रहे हो देर द प्राइमरी केयर गिवर्स उनके साथ आपकी अटैचमेंट किया है जैसे आप उससे आगे ग्रो हुए तो इट्स टू डू विथ योर टीचर्स बिकॉज यू लुक एट दैम एज योर रोल मॉडल्स हम हमारे लाइफ में हर अलग अलग पड़ाव होते हैं वो पड़ाव में हम किसको रोल मॉडल दे, देखते हैं जैसे टीन में हम फ्रेंड्स को देखते हैं आज की तारीख में हम सोशल मीडिया पर रोल मॉडल्स ढूंढ रहे हैं ट्रू तो हम वो जो करते हैं हम उसको वैलिडेशन के हिसाब से ले लेते हैं विच इज वन ऑफ द बायस विच इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस आप जिस चीज पे बिलीव करते हो और जिसको आप योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर मानते हो वो जो करे वो सही है बिकॉज यू फाइंडिंग कन्फर्मेशन एंड वैलिडेशन थ्रू दैट पर्सन तो बचपन में हमारी हमारे माँ बाप के साथ हमारे घर वालों के साथ हमारी जो अटैचमेंट रही है कि उन्होंने डिट द टेंड टू माई इमोशंस डिट द टेंड टू माई अटेंशन जैसे अपने अटैचमेंट थियोरी पढ़ी होगी तो हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स होती है अलग अलग इन ब्रीफ ट जैसे हमारी अटैचमेंट हमारी प्राइमरी केयरगिवर्स के साथ रही हमारे मॉम डैड या हमारे घर वालों के साथ रही है बचपन में वही अटैचमेंट स्टाइल हम बड़े रिलेशंस में ढूंढते हैं बड़े होकर के राइट right. पहला अटैचमेंट स्टाइल है एंक्स अटैचमेंट स्टाइल ओके okay. जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो कॉन्स्टेंटली एंड योर किड इज क्राइंग क्राइंगली लुकिंग यू नो सीकिंग अटेंशन आप बोलते लेट मी फिनिश दिस फिश दिसन आर लुक आफ्टर द किड लेट मी अटेंड टू हिम इन अ एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन आप आपका काम खत्म करके आप जा रहे हो द किड okay the kid starts interpreting to seek attention to feel validated to get love i have to do something i have to be anxious i have to keep chillana rona uh, kuch karte rehna uske baad hi mujhe mileega, pyaar. so even in in adult relationships are constantly overdoing it jaise they people they are are too much of a giver in a relationship is e आपको ब्रेड क्रम कर रहा है दैट पर्सन इज नॉट गिविंग यू मच अटेंशन बट आपको लगता है कि द द मोर आई आई गिव ओनली देन गेट लव बट दैट्स नॉट फैक्ट इट्स बिकॉज ऑफ योर डिसफंक्शनल अटैचमेंट स्टाइल इन द इन द चाइल्ड हुड आपको इमीडिएटली टेंड नहीं किया गया था तो आपने इंटरप्रेट करना शुरू किया कि मुझे आई हैव टू डू समथिंग टू गेट द अटेंशन एंड लव दैट्स दैट्स वाई यू डेवलप एंड अटैचमेंट

कि यार तुम बोल ही नहीं रहे हो तुम बोल ही नहीं रहे हो नहीं मुझे ज्यादा टाइम दो अगर आप उनके साथ दस घंटे भी बैठ लो तो भी दे दे नॉट फील इट बिकॉज दैट जैसे आपके जार से वो खुद के जार में डाल रहे इज अटैचमेंट एंड दे दे फील हैव टू डू अ लॉट मोर जैसे उनको आपके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे उनको लगता है कि वो ज्यादा आपके लिए कुछ करेंगे सरप्राइज देंगे आपको कहीं ले जाएंगे कुछ करेंगे आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे जो भी करेंगे दिल सरप्राइज यू They learn that the more I do and I give, only then I'll get. Because that's what I learned in my childhood. Only when I did something. The second attachment style is the avoidant attachment style. The yeah. name itself cool. calls it. Now, what is this? if you are social setting, will So, what happens? The kid learns to become his or her own warrior that I have to look after myself. मुझे कोई नहीं देखेगा मैं कितना भी चिल्ला लूँ आई हैव टू लुक आफ्टर माई इमोशंस आई हैव टू अटेंड टू माई सेल्फ आई हैव टू गिव माई सेल्फ लव द चाइल्ड लर्न टू नॉट एक्सप्रेस क्योंकि द चाइल्ड लर्न कि तुम कितना भी माथा पछाड़ लो कोई नहीं सुनने वाला सो द चाइल्ड लर्न्स अवॉइड एन अटैचमेंट एंड एज एन एडल्ट यू बिकम लो कमिटमेंट पर्सन आप कमिट नहीं कर पाते क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है क्योंकि अगर बचपन में आपके प्राइमरी केयर गिवर्स ने आपको बताया कि दे कान बी ट्रस्टेड वेर इज देव द ओनली सोल पीपल यू कैन ट्रस्ट राइट दे आर द ओनली पीपल यू न्यू एंड अगर वो मिस के लायक रहे सडनली तो आप सोचोगे कि दुनिया भी ट्रस्ट करने के लायक नहीं है सो यू हैव इशूज विथ ट्रस्ट विथ कमिटमेंट विथ कम्युनिकेशन आप

But immediately you resort to the kid that, okay, what is it? Acknowledge the kid. Is there something bothering you? You want me to do something? There was a very beautiful video which I had seen a room a in and she's crying and she's crying and she's relentlessly crying, incessantly crying. The mother, the first thing she does is she goes on. आप बात करो आपको ऐसे देखना पड़ रहा है आप समझोगे उसको अब right. हम बैठ कर के बात कर रहे हैं तो यू नो इट्स 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 सच ए नाइस गिवेन्ही कोई ऐसे मैं कैसे समझू मेरा सारा एनर्जी एंड ध्यान तो अपने अपने पोस्टर को सही करने में जाएगा तो विल आई अंडरस्टैंड नो कम ऑन द किड्स लेवल सो शी गोज ऑन द किड्स लेवल शी सेट्स डाउन। शी लाइक वॉट इज इट इज अ समथिंग डू यू वांट मी टू कॉल पापा डी इज द डॉल टू हैवी शी कीव डिनाइंग नो 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 इज द डॉल टू हैवी ड्यू वॉन्ट मी टू होल्ड इट डी वॉन्ट पापा होल्ड इट सो शी ट्राई टू एक्नोलेज द किड दट वॉट इज इट कम Then she's like, Do you need a hug? And then she comes and she hugs the kid. Because she wanted a hug. After the they become secure in their own style. And they realize the world is a trusting place. That you can trust people. You can trust someone you're close to. That's what they learn. They know how to manage their own emotions also. So they are the secure attachment style people. गुड विथ कम्युनिकेशन दे की रिलेशनशिप में स्पेस देना भी इंपॉर्टेंट है जैसे एंगजाइटी जो एंक्शियस अटैचमेंट होते वो स्पेस नहीं देते क्योंकि तो स्पेस नाम की चीज ही नहीं बिकॉज़ आई कॉन्टेंटली वॉन्ट समू टू वैलिडेट मी अवॉइड एन अटैचमेंट स्टाइल दे हेट क्लोजनेस बिकॉज लर्न इन दैट चाइल्ड हुड नो वन इज टू बी ट्रस्टेड एंड नो वन कैन कम क्लोज टू यू सिक्योर अटैचमेंट है राइट right.

It, it can get tricky if you are not aware about these styles. So so adult relationship, if you attachment, it's a book, hai, it's called Attached. Attached. That book. Yes, I've heard about it. I haven't, I haven't book, read it, but. Yes. And that book in depth talks about attachment theories. And it's a beautiful book that I recommend every single person to read so that you understand about your attachment style so that you work on it. Aisa nahi koi anxious attachment, hai, wo kar sakta, wo secure. Ban sakta. You can work upon it. You can reprogram. You can become uh, secure. you avoidant, ho, but you awareness hai ki aise cheez hoti hai. Aap kya aap, Through awareness, you'll work on yourself. You'll understand. There's called a dependency paradox. द डिपेंडेंसी पैराडोक्स इज कि अगर मुझे लगता है कि मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, डिपेंड रह सकती हूँ, तो मैं कौसिल क्लिंगी नहीं रहूंगी द फैक्ट दई कैन आई हैस डिडेंट ऑन दैट पर्सन अब क्या हो जाता है एंशियस अटैचमेंट वाले को पता होता है अगर वो अवॉइडेंट के साथ है उसको पता है कि मैं डिपेंड नहीं रह पा रही हूँ कि वो भाग रहे बार बार इट सो टफ फॉर अ पर्सन एंड इज गोट बी ऑल द मू कलिंगी But Agar, you as an avoidant person understand there's dependency paradox, which means just being there for my partner will make her less clingy. Right. Which means ke, I know that sh maybe she's seeking some attention right now. Let me just give it to her. Without she have having to throw tantrums. So if I do it, she'll not. So awareness can actually work on a lot of different segments. अगर आप अवेयर हो जस्ट वर्किंग ऑन लिटिल थिंग्स कैन एक्चुअली मेक योर रिलेशनशिप्स ब्यूटिफुल सबकी चाइल्ड हुड अटैचमेंट स्टाइल्स हाव यू टेंट टू अ किड हाउ यू हाउ यू एज अ किड यू बीन ब्रॉट अप मैटर्स अ लॉट अब इवन ड्यूरिंग टीन एज टाइम्स आपको बहुत ज्यादा अवॉइडेंट फील हुआ है इन योर फ्रेंड सर्कल बट अगर बचपन में आपको प्रॉपर टेंड किया गया है ना तो अगर आपके पियर्स योर फ्रेंड्स हैव अबेंडेड यू दे डिड नॉट गिव यू मच अटेंशन तो right तो मोर एंशियस हो जाते हैं आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उनको प्लीज करूंगी तो दिल बी माई फ्रेंड्स फैक्ट में एक बार बहुत बार अपने भी एक बात कहता हूँ कि हम एक दिन पेरेंट बन जाते हैं एक दिन हमारी शादी हो जाती है पहले हम अलग ज़िंदगी जी रहे हैं और एक कार सीखनी हो तो भी हम एक ड्राइविंग लेसन ले लेते हैं स्विमिंग सीखनी हो तो हम स्विमिंग लेसेंस लेते हैं सीखते हैं रिलेशनशिप चलाना है कोई कोचिंग नहीं है नथिंग बस अंदाजे पे चलाते हैं गेस्ट वर्क पे और एकमात्र रिलेशनशिप का नॉलेज हमारा ये है जो हमारा हमारे माता पिता के साथ है उनका जो शादी हमने देखा उससे ज़्यादा तो डिटेलिंग हमें किसी और रिश्ते की पता भी नहीं होती है उसके बेसिस पे बस हम बिना सीखे रिश्ता चलाने लगते हैं बिना सीखे पेरेंटिंग करने लगते हैं तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉइंट। क्योंकि point. मेरे मॉम डैड ने ये किया है तो मैं भी वही करूंगी जैसे मेरे मॉम डैड ने मुझे टेंथ के बाद ही बाहर जाने दिया है कहीं घूमने तो मैं भी मेरे बच्चों के साथ वही करूंगी सो आर्न दीज आर कंडीशनिंग यू नीड टू की आप अगर चेंज नहीं होगी थ्रू अवेयरनेस तो आप जो गैप है उसको और बढ़ाते जाओगे जो लोग जेनरेशन गैप की बात करते हैं वो जनरेशन गैप क्या है इट जस्ट यू आर नॉट न्यू यू आर समथिंग एल्स यू सॉ योर पेरेंट्स कि वो किसी एक स्पेसिफिक तरीके में फंक्शन करते थे जरूरी नहीं वो आपके रिलेशनशिप पे आपके बच्चों के साथ जो है वो अप्लाई हो एक चीज आती है आज भी भारत में अगर हम थेरेपी और काउंसलिंग इन सब का इंटरवेंशन की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टिग्मा है बहुत ज्यादा लोग कम्फर्टेबल uh, नहीं है सो वट इज योर टेक ऑन दिस हाउ दिस कैन बी यू नो मेड लुक नॉर्मल बिकॉज जैसा अभी ये पूरी थियरी आपने यहाँ पे समझाई आई थिंक ये सब लोगों को पता हो तो और बेटर तरीके से अपने रिश्तों को नेविगेट कर सकते हैं बट स्टिल पीपल वॉन्ट टू हाइड देयर थिंग्स दे आर नॉट कम्फर्टेबल सो वॉट कैन बी डन रिगार्डिंग दैट दैट उस चीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज़ कैसे हो सकता है क्या लगता है कितने समय में होगा नॉर्मलाइज़ ये अभी तो नहीं है सो वॉट ड्यू थिंक

You know, you you go through a situation where you perceive it as threat. That's anxiety. That's when your body goes in a flight and fight syndrome. experienced to experience COVID ke pehle tha. but uh, COVID ke time COVID logo, ne depression, anxiety, suicidal thoughts. Uh, in fact, post COVID, there are high, high rise in divorce cases also.

स्पेस में बहुत लोग आज के तारीख में क्या करते हैं घर से निकल जाते हैं राउंड मार के आते हैं द लेट मी जस्ट ब्रीद लेट मी जस्ट गो आउट सेकेंड बाहर जाते हैं काम के लिए जाते हैं सो दे हैव देर रिस्पेक्ट स्पेस इज ऑल्सो राइट अब कोविड में ये सीन हुआ नहीं बिकॉज देवर सो मच अप्रोक्सीमेटली पीपल टेक इट बट ये चीज अगर आप समझ लो कि मे बी माई पार्टनर इट्स लाइक इफ यू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू हैव द रेजिलियंस डिर्सिस की सिचुएशन एंड आई एम सेइंग कि आई एम आई एम नॉट निगेटिंग की लोगों ने बस ऐसे ही रैंडमली डिवोर्स लिया नहीं देर हैव बीन रियली ग्रो सम केसेस ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अब्यूसिव रिलेशनशिप्स क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि अब एक अब मेरा पार्टनर सपोज काम पे गए काम से आकर के इफ ई इज वेरी अब्यूजिव इन नेचर वर्बली और फिजिकली अब्यूजिव तो मैं शायद उसको निगेट करती रहती हूँ कि अच्छा ठीक है हो हो जाएगा हो जाएगा बिकॉज़ उसकी लगी, we always together, always, क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं है एंड वन थिंग अवे देयर फ्रीडम ऑफ स्पेस देर इंडिपेंडेंस ऑफ बींग दे वॉन्ट टू बी क्योंकि आपको एक सर्टन तरीके में रहना पड़ता था ना घर पे राइट right. तो वैन एवरीथिंग वॉज टेकन अवे पीपल जस्ट बिकेम डिफरेंट वर्जन ऑफ दमसे लोगों ने सबसे पहले तो ये स्टिग्मा अब जाकर हुआ, के हुआ कोविड के वक्त जहाँ पर पीपल है कि अब हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जैसे इवन माई वर्क ऑन सोशल मीडिया इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट ऑफ डिफरेंट थिंग्स वेदर यू डू विध रिलेशनशिप्स वेदर आप मेंटल हेल्थ बोलो

but when you're not feeling good, feeling good. so there is a way how we diagnose. so there's a three months of a certain specific symptom that you're experiencing. Aapko chronic sadness ho hai. you're not feeling. Jo aapko pehle pleasure. i gardening. Mujhe deto, agar pehle mujhe gardening used to make me feel so good. but today it doesn't. it doesn't please me anymore. it doesn't give me pleasure. So things that used to make you feel good, now they don't make you feel good. right. so yes, there symptoms. but at this point, अगर आप एक कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड पे इफ यू आर नॉट आई थिंक एक्सपीरियंसिंग इट आई मीन यू आर नॉट फीलिंग इट देन यू आर सपोज टू गो आउट एंड सीक हेल्प अब क्या हो रहा है कि अवेयरनेस है सोशल मीडिया पे बट लोग अभी जाने के लिए स्टिल हैसीटेटिंग बिकॉज देक क्या सोचेंगे जज करेंगे बट आई एम ग्लैड देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल्स ऑल्सो जैसे ऑनलाइन टोल फ्री नंबर्स भी है जहाँ पे सुसाइड नन प्रिवेंशन नंबर्स है देयर आर alot of them that talks about how you can um, seek help I and mean, let nobody know agar stigmatized है तो बट एट दिस पॉइंट व्हाट इवन मी एज अ थेरेपिस्ट आई वुड जस्ट से स्पीक आउट इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड इट्स ओके आप घर वालों को भी बोलोगे मुझे सही नहीं लग रहा व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट मतलब आप उनसे बैठ करके बात करो कि क्या मैं अभी अपने आप को दबा के रखूं ताकि कल

हाँ ये अच्छा खाना लो ठीक हो हाँ तो कुछ लोग तो इसको बट एटलीस्ट अब डिनाइल तो नहीं है काफी ज्यादा अवेयरनेस तो लोगों में है that it exists, तो वो एक अच्छा पॉइंट है Absolutely. So, कई बार एकता हम रिश्तों में कई बार कहते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट लाइक अट्रैक्ट सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस की रिलेशनशिप को चलाने के लिए अपोजिट uh, बढ़िया है या लाइक बढ़िया है या फिर वॉट इज

दुनिया एक्सप्लोर करनी है दे डोंट वांट टू सेटल डाउन जैसे वो अगर आप बनी हो फ्रॉम ये क्या ये जवानी या दीवानी अगर आप वो हो बट जिसे एक ही जगह बैठना है जिसे नाइन टू फाइव जॉब करनी है उसकी ड्रीम है जिसको आ, ये नाइन टू फाइव जॉब करनी है फिर घर आके बच्चे देखने हैं शी वॉज टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ तो जब आपके दोनों के रिलेशनशिप गोल्स ही मैचरिंग करते हैं

फ्लेक्सीबल इनफ टू अंडरस्टैंड बट ऑल्सो चलो फ्लेक्सिबल ना भी हो बट वो कहे कि चलो ठीक है ट्रेड डिफरेंट है तो यू कैन ऑलवेज वर्क इट आउट बट अगर गोल्स ही कंप्लीटली डिफरेंट है जहां पर आप दोनों मैच ही नहीं करोगे मतलब एक को तो अब त्याग करना ही पड़ेगा तो जिसने भी त्याग किया वो विल हैव एन अपर हैंड से तुम्हारे वजह से मैंने ये छोड़ दिया तुम्हारे वजह से मैंने ये चीज नहीं की ये मेरा ड्रीम था ये मेरा वो था तो क्या हो जाता है कि कंपैटिबिलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट इन योर रिलेशनशिप सो नो फाइंड योर गोल्स पहली तो सबसे पहले दूसरा अगर आप पोल्स अ पार्ट भी है जी. तो यू बोथ should be, if you are at end the you should both be able to walk together to meet between. Yes. To meet in the middle. Right. But if you are the only one who is constantly crossing the bridge, you are going to burn out. Okay, you are the only one who is burning yourself in order to keep the relationship warm. So you will be exhausted one day completely, you will exhaust your fuel. Absolutely, because yeah. you are the only one who is burning. पर right. सपोजली आप दोनों ही बंद कर रहे हो तो अगर कोई किसी का फ्यूज उड़ भी गया है तो वो अपने से उसको फिर से लाइटन अप कर सकता है यून ऑलवेज अगेन लाइट अप सो टू पीपल इवन इफ दोल्स अ पार्ट इफ दे आर अवेयर अबाउट वॉकिंग टुगेदर मिड वे फाइंडिंग अड वे सोल्यूशन विद वट एवर इट इज कि चलो तुमको ये पसंद है मुझे वो पसंद है फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद है एशियन खाना खाना बट आपके पार्टनर को पसंद है

जैसे आपके गोल्स काफी मैच करते हैं आपकी ड्रीम्स काफ़ी मैच करती है कि आपको वो करना है आपके पार्टनर को भी वही ड्रीम था कहीं ना कहीं तो अगर आप कहीं ना कहीं मैच करो देन बी लाइक एन ईजी वे टू वर्क थिंग्स आउट बिकॉज यू विल वर्क टूवर्ड्स वन सिंगल गोल पर अगर आप कंप्लीटली ऑपोजिट है एंड यू बोथ आर नॉट विलिंग टू मूव और इवन जस्ट वन पर्सन इज मूविंग दैट पर्सन इज जस्ट गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड तो अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है टू नो दैट वेदर यू बोथ आर मैचिंग जैसे अब दूसरा सिर्फ सिर्फ गोल्स की बात नहीं है रिलेशनशिप गोल्स की बात करें तो यह भी है कि अ पर्सन गॉट इन अ रिलेशनशिप अब आप, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए आपको यू जस्ट वॉन्ट टू है फन इन रिलेशनशिप बट यूर पार्टनर वॉन्ट्स कमिटमेंट वॉन्ट्स टू गेट मैरिड बट यू लाइक लिसन टू आई एम नॉट लुकिंग फॉर मैरिज I just want to have fun and just flow. Let's see. There are different psychological needs they are trying to fulfill in a relationship. Absolutely. But also at the same time, if this is not matching, then relationship goals, bata about career. Bolo. Career, physical, emotional, mental, financial, everything. It has to match. kai. Even if it's completely poles apart, you both have to meet midway.

Obsessive love disorder. So, what is this? Deekhye, being obsessive about your partner in a constructive way is normal. Just say you love your partner so much and um, you understand each other, you have a good compatibility. Ke, you, you're, you're a person you're fond of your partner. That's a different thing. But being obsessive in a way where it turns out to be a disorder, in a way where you're eh, obsessed. Ho, कि जहा पे इफ योर पार्टनर थिंग्स ऑफ द रिलेशनशिप और रिजेक्ट समथिंग इन अ रिलेशनशिप यू थ्रेटन द पर्सन कि मैं ये कर लूंगी या मैं वो कर लूंगा या मैं यू स्टार्ट थ्रेटनिंग थ्रेट दोनों प्रकार का हो सकता है कि खुद को नुकसान पहुंचाना या सामने वाले को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है कई बार हम ये जो देखते हैं कि अगर लड़की ने ना बोला तो एसिड फेंक दिया सो इज विल इट कम अंडर ओएलडी इट्स जस्ट नॉट ओएलडी जैसे uh, बीच में केस हुआ था जहां पे आई थिंक अ गाय ही किल्ड आई थिंक दिल्ली वाला केस था अभी थोड़े दिन पहले जो वो स्टेबिंग से जो इट्स वेटी कॉन्ट्रोवर्शियल बट जस्ट क्या हो जाता है कि कई बार यू सो ऑब्सेस्ड विथ योर पार्टनर दैट इफ द पर्सन रिजेक्ट्स यू इन सम वे यू कैन टेक इट दो वॉट है इज रिलेशनशिप मे बी दे लाइक समन देव ए क्रश एंड दिमाग में बहुत सीनरियोज बनाना शुरू कर देंगे होगा वैसे होगा वैसे विशफुल थिंकिंग है बट इज इट अ फैक्ट स्टिल नॉट नोन नॉट एक्सप्लोर्ड इट्स अनसर्टन तो क्या हो जाता है कि आप ऑब्सेस कर रहे हो ऑन योर पार्टनर की ट्वेंटी फोर सेवन यू थिंकिंग अबाउट दिस पार्टनर यू कौनसली टेक्सटिंग शोइंग अप एनी वेयर जैसे उनकी ऑफिस है तो बस शो अप कर दिया ऑफिस में जाकर के योर एवरी वेयर एंड एनी वेयर वेद द पर्सन गेट दैट स्पेस टू ब्रीद ऑल्सो वेयर दे डोंट गेट द स्पेस टू ब्री दैम सेल्स यू कौनसलीसिंग पार्टनर जहाँ पे आप कमिट कमिटमेंट commit, मांग रहे हो कि नहीं ऐसे ऐसे ही होना चाहिए नहीं अगर इफ दे थिंक ऑफ लिविंग यूर समथिंग यू थ्रेट इन दैम लॉट ऑफ वेज तो दैट इज ऑबसे वेर इट स्टार्ट देखिए प्यार और ऑब्सेशन में इतना ही डिफरेंस है कि ऑब्सेशन सामने वाले को ना घुटन सा महसूस करवाता है एंड प्यार में देर इज फ्रीडम बिटवीन बोथ ऑफ दैम वे आई अंडरस्टैंड वे यू कमिंग फ्रॉम यू अंडरस्टैंड वेर एम आई कमिंग फ्रॉम एंड वी बोथ रिस्पेक्ट इच अदर सो मच कि हम एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं ऑनर करते हैं एंड वी एंश्योर दैट वी बिकम बेटर वर्जन ऑफ आर फॉर इच अदर लेट्स लव ऑब्सेशन इज कॉन्ट्रेडीस्ट वेर फिकार्टर यू सर फिकार्टनर दैट लेट्स डू एवरीथिंग टूगेदर बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज मच एज यू लव बींग विन दट पर्सन माइड इवन नीड दैट स्पेस

toxicity can come in a relationship so many times i see that a uh, few people just by staying silent and not communicating with the person that's so a silent that, treatment yes so that also sometime uh, come as a toxicity because you want partner to speak up and they are just silent and they will like ghost you for some time so in which form toxicity can uh expressed can be expressed in relationship and how it comes toxicity ki baat kare to there are a lot of red flags it's important to know ki red flags har ek insaan ke liye alag ho sakte okay theek hai toxicity means something that suffocates you something which you're not okay with jaise do log agar ab ladai hui hai to i am coming from a space where i need to resolve that fight immediately you're coming from a space where you need space to think Cool yourself down so that you can rationally speak and make informed decision. Ghosting, love bombing, love bombing is jahape concept hai, and uh, it's doing a lot of rounds. It's like a trend jahape you met someone, you like someone, and um, there's a good spark. And suddenly, I have bhi inclined ho jate taraf, they suddenly withdraw and they start focusing on other things. They are mm -hmm. like, itna attention they ki zarurat Fine. बट अ पर्सन वेन दैट पर्सन स्टार्ट फीलिंग मुझे अटेंड मतलब एक अटेंड नहीं कर रहा है इंसान जो बेसिक बेयर मिनिमम होना चाहिए वो बेयर मिनिमम भी नहीं हो रहा है सो so, जब दूसरों दूसरे सामने वाले को ये एक्नोलेजमेंट आती है कि यार ये इंसान बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहा है मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे पूछ नहीं रहा है कि आई यू ओके ओ वट एवर इट्स नॉट अबाउट कि जैसोज इफ आई एम ट्रैवलिंग समवर इफ माई पार्टनर इज नॉट आस्किंग मी अबाउट इफ आई एम ओके और नॉट राइट ठीक है इफ दैट्स वॉट आई वॉन्ट इफ़ आई एम इंडिपेंडेंट एंड मुझे लगता है कि ठीक है दैट पर्सन इज ठीक है बिजी है मेरा पार्टनर मैं अपने काम में हूँ जस्ट अपडेट वट एवो एंड रेड फ्लैग्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स जहाँ पे सडनली द पर्सन रियलाइज कि सामने वाला अब ना थोड़ा सा पीछे जा रहा है एंड जैसे तुमको एक्नोलेजमेंट होती है यू ऑल्सो स्टॉप डूइंग टू मच फॉर द पार्टनर अब सा जो लव बॉम्ब कर रहा है उसको रियलाइज होता है कि यार ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए तो देन दैट पर्सन कम्स एंड बॉम्स यू विथ थोड़ा सा प्यार टल डाउन फॉर दैट बैर मिनिमम आप कहोगे ठीक है यार इतना तो कर रहे हैं ना देख आया 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 वो ही जिस कुछ समय के लिए फूड मिल गया उसे कुछ समय ऑल्सो रियलाइज इन आई जस्ट है दे सेटल यू फॉर क्रम्स यू सेटल फॉर क्रम्स नॉट द होल ब्रेड कि चलो वो चीटियां होती ना जिनको थोड़े से मिल गए लाइन पे तो सेटल डाउन देन यू आर बैक एंड अगेन फिर से उनको जब लगता है कि वो फिर से हाथ से कहीं निकल फिर से थोड़ा सा प्यार दे दिया तो थोड़ा चलेगा फिर से बैक ऑफ हो गए सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड दिस टॉक्सिसिटी जैसे कि अगर सामने वाला मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा it, है आई आई एम नॉट लाइकिंग इट 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 कम्युनिकेट टॉक अबाउट दैट टेक साइलेंट ट्रीटमेंट स्पीक फिनिश ऑफ ठीक है स्टोन वॉलिंग इज दिस स्टोन वॉलिंग इज बेसिकली साइलेंट ट्रीटमेंट जहां पे आप अपने आप को कंप्लीटली शट डाउन कर कर देते हो इवन दैट्स टॉक्सिक क्यों क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मैं कुछ भी समझाऊ सामने वाला समझेगा ही नहीं वो खुद में ही अड़ा है देन यू स्टार्ट स्टोन वॉलिंग यू बैक ऑफ यू डोंट एक्सप्रेस वो सामने वाला बोल रहा है ठीक है मुझे बोलना ही नहीं है सो दैट्स ऑल्सो टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी कैन कम फ्राम अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज जैसे आप सामने वाले को ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हो आप यू कॉस्टली डाउटिंग दैट पर्सन यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैम यू आर सीकिंग वैलिडेशन कॉन्स्टेंटली तो बहुत सारी चीजें हैं जिस विच कैन टर्न टॉक्सिक हाउ कैन यू जज टॉक्सिसिटी इज समथिंग एम नॉट Something that's affecting my well being, that's toxic. True. And it's important to analyze that. Right, because many times uh, people have some distorted beliefs as well that if I think about myself or if I think about my well being, I will be selfish. So there is a fine line between self care and being selfish. So, how they can differentiate, how they can reframe this thing that taking care of yourself is not selfish. Sometimes it is important to set boundaries. बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिफरेंस क्या है बहुत बार अगर मैं कोई चीज बता दूँ तो सामने वाला कहेगा बहुत सेल्फिश हो यार तुम सिर्फ खुद का ही देखती हो तुमको कोई पड़ी ही नहीं है दूसरों की सी एक चीज समझना जरूरी है कि आप कितना भी कर लो कोई ना कोई तो नाराज जरूर होगा यू कान प्लीज एवरीबडी ओके फॉर एग्जाम्पल इवन इफ आर अ पीनट बाटर लवर आप उस दस आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना वो दस ऑप्शन अलग होगा इट हैव डिफरेंट टेस्ट तो क्या वो पीनट बटर कहेगा कि यार मैं अपने आप को ट्वीट करता हूँ क्योंकि इसको मैं पसंद नहीं हूँ वो आपको जम रहा है तो ठीक है नहीं जम रहा तो कोई बात नहीं इट्स लाइक दैट यू कैन शिफ्ट टू समथिंग दैट्स अलाइंड विथ यू अच्छा इफ यू लाइक नॉन चुगरी पीनट बटर दैन सेटल फॉर इट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई बाउंड्रीज जरूरी है क्योंकि ए इट्स अ वे हाव यू कम्युनिकेट कि दिस इज़ वॉट आई रिस्पेक्ट जैसे कि सेल्फ केयर इज़ वई यू टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्फ एंड यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन इन अ वे कि यू नो वॉट आई थिंक आई अंडरस्टैंड जैसे जैसे लड़ाई हो गई तो वे यू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि सामने वाले को शायद स्पेस चाहिए तो आप सेल्फ केयर कैसा है मैं भी टाइम लेती हूँ तुम भी टाइम ले लो लेट्स कम बैक इन से फाइव टेन मिनट्स टिल वी कम डाउन

बट अगर आपका पार्टनर तो आप प्लान ही नहीं बनाओगे Self is, so जो भी करते हो आप दोनों के हित में करते हो दोनों के भलाई के हिसाब से करते हो जरूरी नहीं है कम्युनिकेट करो कि आपको जो लगता है सामने वाले के लिए भलाई है वो शायद उनके लिए ना हो जैसे सपोजली अगर मैं काम में बिजी हूँ तो मेरे पार्टनर को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है बट अगर मेरा पार्टनर सोचता है कि यार ये तो बिजी है बिजी लेट मी नॉट आस् खर लेट मी नॉट आस् खर ये शायद बिजी है अब मेरा काम है कॉन्स्टेंटली काम करना बट मेरे पार्टनर को लगता है कि अगर मैं उसको पूछूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी मे बी दैट्स नॉट राइट तो ये कम्युनिकेट करना जरूरी ये ये केयरिंग हो गई है यू नो यू केयरिंग फॉर योर पार्टनर बट ऑल्सो द सेम टाइम आई एम कंप्लेनिंग यार तुम तो टाइम ही नहीं दे रहे हो एंड सामने वाला कहेगा पर तुम तो बिजी हो यार काम पे तो कम्युनिकेट करो आई लव वर्क बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू सेट अप बाउंड्री सेंगीक टू मी वेनर यू वॉन्ट टू एंड इफ सपोज ली एम बिजी एट दैट वेरी मोमेंट आल से गिव मी टेन मिनट फाइव मिनट्स वट एवर वी विल बैच इट आउट तो बाउंड्रीज बहुत जरूरी है बहुत बार uh, जैसे झगड़े के वक्त मुझे चिल्ला के बात करना पसंद नहीं है एंड तुम चिल्ला के बात करते हो तो मैं तुमको कहूँगी कि लिसन आई रिस्पेक्ट Low क्योंकि जब टोन एक पिच हाई हो जाती है इट अफेक्ट्स मी इट मी तो आपने क्या कियाउंड्रीलिक एंड इट्स इंपोर्टेंट टू कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज बिकॉज कई बार लोग को नहीं समझ आता बट नो वन कैन रीड माई सो ab batao ki aapko kya चीज What is accepted? What is not?

क्रॉनिक बर्नआउट क्या होता है अगर आप कॉन्सली हासिल 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 ही कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है सी अगेन हासिल पैराडॉक्स भी होता है कि ये एक फॉल्टी थिंकिंग है हमारी कि ज़्यादा हासिल करेंगे तो वी आर गोइंग बी ऑल मोर प्रोडक्टिव बट दैट्स नॉट ट्रू द थिंग इज़ आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है आपका इमोशनल क्वेंट लो हो जाता है आपका लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज हाई यू नो यू वेरी फिकल यू वेरी पेस्की यू गेट एंग्री एंड एजिटेटेड एट एवरी लिटिल थिंग एंड आज की बात करें तो स्ट्रेस इज पर्वेसिव वो तो एंड ये हासिल भी पर्वेसिव ही है यू कैन स्केप इट पर ऑल्सो द सेम टाइम यू कैन ऑलवेज मैनेज इट आउट ये हासिल कल्चर क्यों है क्योंकि आज सपोज मैंने सोचा कि मैं काम नहीं कर रही हूँ अब मैंने किसी को देख लिया कि समवन जस्ट टिकट थ्री लिस्ट फ्रॉम द टू डू एंड मैं तो एक भी नहीं किया तो इट गिव्स मी दैट स्ट्रेस दैट एंगजाइटी कि यार मैंने आज कुछ किया नहीं है क्यों क्योंकि आई एम सीकिंग वैलिडेशन थ्रू वर्क ये एक एक्सटर्नल वैलिडेशन है हमको लगता है कि जब हम एक्सटर्नल अचीवमेंट्स या सक्सेस पाते हैं तभी मैं अपने आप को एक लेवल पे रख सकती हूँ ओनली देट आई थिंक हाईली ऑफ माई सेल्फ बट दैट्स नॉट द फैक्ट How am I living my life? How content I am Aight. with how I'm living that matters. It's content so content that i on bed So, that is going to give you all the more sadness and uh, dissatisfaction with your life because you you actually And then, you will start sabotaging yourself. So, you have to find a midway. Right. A grey space न टू बैलेंस जहां पे आप काम कर रहे हो ठीक है बट आप हसल में नहीं घुस रहे जहां पे यूर नॉट सीकिंग कॉन्स्टेंट वेलिडेशन और सेल्फ वर्क थ्रू एक्सटर्नल अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट अगेन सी आई टेलिंग अचीवमेंट की बात करें तो ये ना बहुत मिसक्रूव वर्ड है जैसे अचीवमेंट कुड बी मी टूडे वेकिंग अप एंड डूइंग माई डेली चोर मैंने जो बेसिक मेरे मंडेन टास्क है जैसे उठ के नहा लिया ब्रश किया uh, मेरे खाने का काम किया देन आई हैड गुड कॉन्वर्जेसन विद समन आई लुक आफ्टर द हाइजीन ऑफ द हाउस आई आई ऑर्गेनाइज द हाउस माई रूम एवरी थिंग अब बहुत लोग ये भी नहीं करते ठीक है सो इफ आई एव आई हैव डन द मंडेन टास्क ऑल्सो कि मैंने चलो आज क्ली ये क्लीनिंग कर दी ठीक है तो इवन दैट्स अचीवमेंट फॉर मी But for a lot of people, they think that achievement means you Padma Bhushan award, only that's achievement. But that's not the fact. You I wasn't feeling good, but I woke up. I didn't feel like taking shower, but I did. I didn't feel like getting dressed up and meeting my friend, but I did. I pushed myself to do it. Even that's achievement. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपका जो ये uh, है अचीवमेंट का ये मिसकंस्ट्रूड है बट दैट नॉट मीन कि आप सारी जिंदगी सिर्फ मंडेन टास्क करके ही निकालोगे राइट right. सी हमारी ना मैशल है, है आपको पता होगी तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है हम उसको पूरा करते तो हम ऊपर लग्जरी नीड्स पे जाते हैं जी हम सेफ्टी नीड्स पे जाते हैं हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस नीड्स पे जाते हैं एनलाइटन नीड्स पे जाते हैं जैसे हमने अगर बेसिक हमारी एक जो नीड्स को कर लिया अगर पूरी कर दी कर yes. दिया तो विल ऑलवेज लेवल अप ठीक है जैसे अगर आप आप जिम जाते हो तो जिम में अगर सपोजली आपने जस्ट शुरू किया जिम तो आप अगर 10 मिनट्स ऑफ कार्डियो कर रहे हो ठीक है एंड आपने सपोजली आज 10 केजी वेट उठाया है तो 15 दिन के बाद वो 10 केजी वेट इज गोइंग टू बी नॉर्मल फॉर योर बॉडी इट्स नॉट गोइंग टू आप push अगर you, आपको इट्स नॉट गोइंग टू पुश यू आल्सो

एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप सोशल मीडिया को लेकर के अपने आप को कॉन्स्टेंट ना करें जैसे मेरे साथ बहुत होता था जैसे मैं अगर देख रही हूँ कि समवन हैज हैज रीच्ड सर्टन यू नो लेवल सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे uh, एक कोई प्रोजेक्ट लेना था जो प्रोजेक्ट मेरा नहीं है मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई दैट्स नॉट माई ड्रीम जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट बीवन डूइंग द पॉडकास्ट ठीक है एंड देन आई रियलाइज मुझे भी करना है क्योंकि सब कर रहे हैं तो एक फोमो आ गया फोमो की वजह से पुशिंग योर सेल्फ सो मच फॉर द ड्रीम दैट यू ड्रीम एट फर्स्ट प्लेस यू थॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन द रेस दैट इट दिमिलर टू ये जो नया एप आया है फोमो <laughs> क्योंकि मिस नहीं करना हमको बट देर इज अन्सेप्ट दैट से नाइस सो अगर आप हसल कल्चर की बात कर रहे हैं तो गो फ्रॉम फोमो टू जोमो। जोमो से जॉय ऑफ मिसिंग आउट। से जॉय ऑफ मिसिंग आउटाइम्स आज के टीनएजर्स बहुत ऐसे होते हैं कि मैं ये पार्टी नहीं गया मुझे बहुत फियर बट फोमो हो रहा है

One is pursuit of happiness that I love watching, but uske alawa I would love watching is uh, Pixar ki. Ap. So, if you could only travel to one destination for the rest of your life, where would you go and why? Paris, because I think it teaches the art of balancing it out. It teaches that you hustle bhi karo, but also at the same time you're like you can relax. It's like a, it's the joy of doing nothing. That's what they promote. So, what is your ultimate guilty pleasure food that you just can't resist? That is uh, bread with a lot of butter. Like a dollop of butter on it. I love eating for some, and that's a guilty pleasure for me. Kisi ek fictional character ke sat, if you can swap life for a day, who would it be and why? Julia Roberts from uh, Eat, Pray, Love. What is the one thing you wish men understood better about women? If a woman is you know expressing something to you. Try to understand that she's coming from a space of being unheard. Listen to it. Try to understand what is she trying to even express. Maybe she has some unmet needs, unmet desires. Just listen to it. That's it. Three things you notice in men. That instantly catches your attention. I think uh, the way they communicate really matters to me. I think that catches your attention. Second, is how they present themselves. That is how confident they are in themselves. And second, how do they, um, how do they treat people around them? What is the biggest misconception men have about women? That they are drama king queens. Oh, god! <laughs> Only because they don't understand emotions, and I'll tell you why. Because

आपको वो चीजें ड्रामा नहीं लगेगी यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्सन शी कमिंग फ्रॉम डीएम में सबसे कमेंट जो हमेशा याद रहता हो आपको किसी फॉलोअर ने किसी फैन ने लिखा हो वन ऑफ देम वाज मम्मी बहू मिल गई है ओके सो लव एट फर्स्ट साइट और स्लो बर्निंग कनेक्शन I think I would find a middle way because uh, a lot of times love at first sight it's always you build it up. Build it up means it's a slow process but when you meet someone you strike a conversation and you understand the person and suddenly you realize how aligned they are because there is a spark and that's, that's, that has to be there. Candid shots or carefully curated content? Both. I think that depends on the situation. <laughs> फॉर मी आई डोंट डो मच योगा टू बी वेरी ऑनेस्ट बट आई डो मेडिटेट जर्नलिंग हंड्रेड परसेंट कम्पेटेबिलिटी और अगर कंपेटेबिलिटी है ना तो केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आ जाती है बट केमिस्ट्री है लाइक यू हैव अमेजिंग स्पार्क इन यू ग्रेट इन बेड पर आप दोनों कंपेटेबल ही नहीं हो समझ ही नहीं रहे हो एक दूसरे के इमोशंस को तो केमिस्ट्री का क्या आचार डालोगे और केमिस्ट्री तो एज के साथ शेड डाउन भी हो जाएगी सो सेल्फ डिस्कवरी एज एन इंडिविजुअल और ग्रोइंग नो क्रिएट अ गुड स्पेस एंड ऑरा अ रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और सोलो कंटेंट क्रिएशन बोथ आई थिंक मोर देन दैट सोलो होना चाहिए

अरे यार ऑलरेडी इतने सालों से साथ में है अब हो जाएगा शायद बट संग कॉस्ट आ संग कॉस्ट तो जस्ट तो पीपल टेंड टू इन्वेस्ट दैट टाइम रिसोर्स एनर्जी इन दैट थिंग डिस्पाइट ऑफ गिविंग यू नॉट यील्डिंग यू रिजल्ट्स डिस्पाइट ऑफ द लॉस बट यू कंटिन्यू डूइंग शो इतना मैंने लगा दिया तो लगा दिया तो चलो अभी जा नहीं सकता जा पीछे. नहीं सकता पीछे जैसे बहुत कंपनीज दे कंटिन्यू producing the product because they've already invested a lot of money, time, energy in producing and marketing the product despite of going in loss. up, aaj loss ho, up past loss the, but future you can always change. right?